तब प्लेइंग कार्ड से सीखा था। सबके घर में प्लेइंग कार्ड होगा ना, तो प्लेइंग कार्ड से ही मैं किसी ना किसी को कुछ मैजिक पता भी होगा प्लेइंग कार्ड से, राइट। हाँ भाई बोल रहा है। चलो मैंने भी जैसे प्लेइंग कार्ड लेके मैजिक सीखना शुरू किया, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल मुझे आ रहा था क्योंकि मेरे हाथ वैसे ही छोटा है और ये जो प्लेइंग कार्ड है ये मेरे हाथ में नहीं आते थे, तो प्रैक्टिस करने में दिक्कत होता था, राइट। तो मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूंगा तब? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं क्या करता था, जो प्लेइंग कार्ड है उसको ऐसा पकड़ता था, ठीक है। पकड़ने के बाद लेफ्ट हैंड से पकड़ना पड़ता है, राइट हैंड को लेके इसको थोड़ा सा धीरे से दबाना पड़ता है और दबाते ही उसका साइज छोटा हो जाता है। ये ओरिजिनल कार्ड है। आप ये सोचिए, जब मैं और भी छोटा था और ये कार्ड मेरे हाथ में नहीं आते थे तब कैसे प्रैक्टिस करता होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला है? हाँ, लेफ्ट हैंड में रखना पड़ेगा, राइट हैंड को ऐसा लेना पड़ेगा और इसको धीरे से दबाना पड़ेगा, धीरे से, जोर से होने से मुश्किल है। धीरे से दबाएंगे ना तो साइज, ये इसका साइज छोटा हो गया, आप देख सकते हैं। वेरी नाइस, कमाल है भाई। चलो फॉर्मूला तो सेम है, करके देख सकते हैं, ट्राई करने में क्या है। ये फॉर्मूला पता है क्या करना है? फॉर्मूला सेम है, भाई ने रिक्वेस्ट किया कि और हो सकता है क्या, कोशिश करते हैं, हो गया तो बढ़िया है। इसको ऐसा दबा, क्लोज करना है, फिर इसको धीरे से दबाना है और दबाते ही दिख रहा है, कैन यू सी? ओके, अब ये सोचिए, बड़ा कीजिए उसको। जब मैं और छोटा था सर, जब मैं पैदा हुआ तब से मैजिक कर रहे थे सर। जब मैं और छोटा था और ये कार्ड मेरे हाथ में नहीं आते होंगे तब कैसे प्रैक्टिस करता हूँ? फिर से क्लोज कर देंगे। हाँ, फिर से क्लोज कर देंगे ऐसे, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे इसको, लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, क्लोज करना है, इसको धीरे धीरे दबाना है, दबाते दबाते ये साइज इसका ये हो जाता है। चलो ठीक है, ये ओरिजिनल साइज है मेरे हाथ में और ये साइज है, दिख रहे हैं आप लोगों को? भाई ने सच बोला, उससे पहले मैं दुनिया में था ही नहीं, कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। थैंक यू वेरी मच, मेरा टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन, 1 2 3 या